हेलो क्रिकेट बडीज फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। दोस्तों, आज मैं कोई अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि खेल कब रुकता है, यानी कि अगर मैच चल रही है तो कब स्टॉप होता है। तो वेल दोस्तों, अगर आपने इंडिया वर्सेज श्रीलंका की थर्ड टेस्ट मैच देखी थी तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा। अगर आपने नहीं देखी थी तो कोई बात नहीं, मैंने भी पूरी नहीं देखी थी, बिजी था इसलिए नहीं देखी। आप भी बिजी होंगे इसलिए आपने नहीं देखी होगी। दोस्तों, उस टेस्ट मैच में काफ़ी सारे अच्छे मोमेंट्स भी थे और काफ़ी ख़राब मोमेंट्स भी थे, और मैं आज बात करने वाला हूं उन खराब मोमेंट्स की और उन खराब मोमेंट्स की वजह से क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों, इंडिया से श्रीलंका की थर्ड टेस्ट मैच में श्रीलंकन प्लेयर्स मास्क पहन के फील्डिंग करने आए थे, क्योंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था। तो वेल, उसके चलते श्रीलंकन प्लेयर्स अच्छा फील नहीं कर रहे थे और काफ़ी अंदर बार हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसके चलते IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने BCCI से कहा कि पहले तो वो खुश नहीं है कि उनका मैच का वेदर कैसा था, मैच रुक जाना चाहिए था, पूरा ख़त्म नहीं होना चाहिए था, एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था इसीलिए। तो फ्रेंड्स, उनके प्रेसिडेंट यानी कि IMA के प्रेसिडेंट KK अग्रवाल ने BCCI से काफ़ी अच्छे से कहा है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए मिली सेकेंड का टाइम, या फिर आप बोल सकते हो मिली सेकेंड का डिस्टेंस, काफ़ी मायने रखता है उसकी सक्सेस को लेकर। तो फ्रेंड्स, बस अब पहले क्या होता था कि अगर मैच में बारिश आ रही है तो मैच रुक जाता है, और कभी लाइट्स का प्रॉब्लम है तो फिर मैच रुक जाता है। लेकिन अब दोस्तों, अगर एयर पोल्यूशन या फिर एटमोस्फेरिक पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो भी मैच अब रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।